जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो ये जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एसएससी एस्पायरेंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के तैयारी के लिए आज लेकर आ चुका हूं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। अगर आपको मैथ का अनसॉल्व वाला जो सोल्यूशन है वो मैथ अनसॉल्व सोल्यूशन के नाम से मिल जाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश सोल्यूशन अनसॉल्व के नाम से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। बस आप हमारे साथ रेगुलर रहिए और जो मैं सिखाता जा रहा हूँ सीखते जाइए, तो आप मान के चलिए आपके हाई स्कूल बोर्ड पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज बात करते हैं। तो चलिए अगर आपके पास अनसॉल्व है तो पेज नंबर 50 पे पांचवे का खा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है 3x1 बराबर लिखा है कॉसेक थीटा और लिखा है इधर 3x2 बराबर लिखा है कॉट थीटा। और आपसे क्या पूछा गया है, 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिया है 3x1 बराबर कॉसेक थीटा और 3/x2 बराबर कॉट थीटा। फिर आपसे पूछ लिया गया है 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर। तो चलिए इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये पहले वाले को आपको मानना पड़ेगा समीकरण एक और इसको मानना पड़ेगा समीकरण दो। चलिए मान लेते हैं। अब आपको पता है यहां पर x1 ऐसे है, यहां पर x1 का स्क्वायर पूछ रहा, यहां पर 1/x2 आप देख पा रहे हैं उसी फॉर्म में 3/x2 लिखा हुआ है। यहां पर 1/x2 का स्क्वायर चाहिए लेकिन यहां पर केवल x2 है, स्क्वायर तो है नहीं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लाते हैं। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों आप जितना बेहतरीन एग्जाम में लिख के आएंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको बताया 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 और यहाँ पर x1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कॉसेक है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक का स्क्वायर, बस इतनी बात हो जाएगी। चलिए हम इसको समीकरण मान लेते हैं 3, इसको समीकरण मान लेते हैं 3 क्योंकि अभी इसका काम आएगा। फिर हमें पता है इसका भी स्क्वायर करना है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए कर लेते हैं, यहां पर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा यहां पर हो जाएगा, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 4। चलिए अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास x1 का स्क्वायर मिल गया और x2 का भी स्क्वायर मिल गया, लेकिन इन दोनों में रिलेशन कैसा बताया गया है, तो रिलेशन बताया गया कि माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्या करेंगे अब हमें घटाना पड़ेगा। किसमें से घटाते हैं, पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं। तो यहां पर देखिए समीकरण जो मेरा 3 आया है, तो समीकरण 3 में से किसको घटा दे, समीकरण 4 को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना है 9x1 का स्क्वायर माइनस यहां पर कितना आ जाएगा 9x2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको बताइए ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती, 9 होती। ये वैल्यू कितनी होती, 9 होती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर चले आए कॉट स्क्वायर थीटा तो बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मेट मेरे पास लिखा है, ये फॉर्मेट लिखा है और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें इतने पूरे की वैल्यू चाहिए, पूरे की वैल्यू, तो मुझे पता है यहाँ पर x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 9 कॉमन ले लिया, दोनों में 9 है, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं कौन सा स्टेप लिखूंगा, मुझे पता है x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर बराबर इधर बचा 1। अच्छा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर भेज देंगे, कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो मुझे तो इतने की वैल्यू पता चलेगी, इतने की वैल्यू है 1/9। अब इसमें हमें पुट कर देना है, यहाँ पर देखिए 3 पहले से था जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन, और इतने पूरे की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड की, 1/9, तो यहाँ कितना रख देंगे 1/9। ठीक है, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा और आंसर यहाँ बचा है 1 और यहाँ आ जाएगा 3, और यही दोस्तों आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से दोस्तों ये एक है। यहाँ पर बता दे रहे हैं हम कि यहाँ पर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपको ये देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन चार नंबर में पूछा गया है तो कुछ तो इसमें डिफिकल्ट वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक्स वन का स्क्वायर है माइनस वन अपॉन एक्स टू का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लोग करते हैं कि यहाँ पर पहले यहाँ पर जो माइनस लिखा है इन दोनों को ये लोग माइनस कर देते हैं, उसके बाद से ये होल स्क्वायर खोलते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है और आंसर भी नहीं आता है, यानी आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, उसकी क्या अप्रोच हो सकती है आसानी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं उसको, उसको कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहां से मैं आपको कैसे पढ़ना है, यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है और वहां पर स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए और मजबूत हो पाए और आप हमसे जुड़ पाए। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, पेज नंबर 68 पे 7वें का लिखा हुआ है। यहाँ पर आ जाइए, लिखा है x2, x माइनस टू और लिखा है x प्लस टू लिखा है, फिर प्लस का लिखा हुआ है 3, फिर इसमें लिखा हुआ है x प्लस टू और अपॉन में लिखा है x माइनस टू, ठीक है, लिखा है माइनस का 4 और बराबर में लिखा है 0 और कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि x नॉट इक्वल टू 2 और माइनस टू, मतलब x की वैल्यू ना तो 2 आ सकती है ना माइनस 2 आ सकती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी मैं आपको बता दूं। अगर आप वैसे जनरली इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा कैलकुलेशन। मैं इसको इजी स्टेप बताऊंगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है एक्स माइनस टू, वही सेम चीज इसमें अपॉन में लिखी है एक्स माइनस टू, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस टू, वही सेम चीज यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस टू, ठीक है। तो मैं किसी एक को मान लूंगा, देखिए x माइनस टू अगर यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है x प्लस टू, अगर मैं इसी को एक कोई वेरिएबल मान लेता हूँ, मान लिया मैंने ये t, ठीक है t, अब आप देख पा रहे होंगे अगर मैं इसकी वैल्यू को पलट दूं, मतलब x प्लस टू कर दूं और नीचे x माइनस वन, मतलब जो अंश था वो हर हो जाएगा, जो अंश हर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अभी इसके हर में क्या है वन है, तो वन ऊपर चला गया अंश में, टी अंश में था कहाँ गया, यानी ये भी वैल्यू पलट जाएगी। तो यानी कि ये वाली बात टी यहाँ पर रख सकते हैं और ये आप देख पा रहे हैं कुछ इसके जैसा, तो यहाँ वन अपॉन टी रख सकते हैं, तो इसको हमने साइड में ऐसे कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माना क्या लिख सकते हैं, लेट लेट बी ये ऐसा होगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, प्लस का यहाँ पर 3 है, प्लस का 3 और यहाँ पर इंटू में हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टी, क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टी, अच्छा माइनस का यहाँ 4 है बराबर में 0, ठीक। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम का टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ बचेगा 3 और ये माइनस का 4t हो जाएगा और जो t मेरा नीचे बच गया एलसीएम वाला वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, ठीक। अब हम इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, तो यहाँ गया 4t प्लस 3 बराबर 0। अब आपको ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो आपको पता है इसको हम कैसे, इसका गुणनखंड करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, तो आपको पता है 3 बन जा 3 और माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको पता है माइनस 3 टी और माइनस का टी लिख सकते हैं प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 3t का स्क्वायर भी आ जाएगा और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 4t हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में कॉमन बात क्या है, तो t कॉमन है केवल, तो यहाँ आ जाएगा t माइनस 3, t माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, t माइनस 3 बराबर में 0 दिया है। अच्छा अब आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है सिमिलर है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया 0 आ गया, ठीक है, बराबर में 0। अब एक एक वैल्यू को रख लेते हैं, देखिए टी माइनस 3 बराबर क्या करेंगे 0 और यहाँ पर क्या कर देंगे टी माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से तो टी की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से आ गई टी की वैल्यू 3, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब दोनों वैल्यू रख लेते हैं बारी बारी से, दोनों वैल्यू रख लेते हैं बारी बारी से, हमारे पास दो उत्तर आ जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो उत्तर आएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना ये आसान क्वेश्चन हो गया, हमने इसको मान लिया
अदरवाइज आप वैसे करते तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे उसे उत्तर कितना आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने टी माना था, तो मैंने किसको टी माना था, एक्स माइनस टू बटे एक्स प्लस टू। तो पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं वन, रख लेते हैं टी बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब जब टी बराबर एक हो, जब टी बराबर एक हो तो क्या होगा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इस कंडीशन पे एक्स माइनस टू और ये उधर चला जाएगा मल्टी में, एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस टू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स और ये इधर आ जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर दो ये आ जाएगा दो। ठीक है, तो एक्स एक्स कट गया, यहाँ पर आप देख पा रहे चार बराबर जीरो आ गया, जो कि वेरिएबल को खत्म कर देगा, जो कि वेरिएबल को खत्म कर दे रहा, यानी ये वैल्यू हमारे पास हो ही नहीं सकती, यानी ये वैल्यू हो नहीं सकती, तो हम इसको हटाएंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं, दूसरी वैल्यू को हम यहां पर रख के चेक करते हैं। ठीक, दूसरी वैल्यू हमारी क्या आई है, टी बराबर थ्री आया, टी बराबर थ्री आया। तो यहां पर रखेंगे एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, टी की जगह कितना रखते हैं थ्री, जब टी बराबर थ्री। यहां से देखिए एक्स माइनस टू, यहां पर आ जाएगा थ्री एक्स, और प्लस का थ्री टू जा सिक्स, तीन दूनी छह, ये थ्री एक्स, ये एक्स उधर भेज दें तो देखिए थ्री एक्स, इस एक्स को मैंने उधर भेजा तो माइनस का एक्स, इधर प्लस का तो सिक्स पहले से था, ये माइनस का टू है तो इसको हमने उधर भेज दिया तो प्लस का टू हो जाएगा, बराबर में जीरो लिख दिया। यहाँ पर देखिए थ्री एक्स में से एक एक्स गया तो कितना आ जाएगा टू एक्स। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा एट बराबर जीरो। यहाँ पर आप देखिए कितना हो जाएगा टू एक्स बराबर माइनस का एट, ये दो से कितनी बार में कट जाएगा, चार बार में, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस चार, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस चार। और यही दोस्तों आपका क्या है आंसर, यही आपका है सर। एक बार मैं भी अपने आंसर को रिचेक कर लेता हूँ कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पेज के सातवें के का, तो सातवें का दोस्तों माइनस चार आ रहा है। ठीक है, तो माइनस चार आ गया है हमारा उत्तर। ठीक है, माइनस चार आ रहा है इसमें, अथवा करके तीन कामा पांच भी आ रहा, तो अगर हम इसमें करके रख दें, अगर तीन इसमें रख के एक बार देखते हैं और भी क्या उत्तर आ सकते हैं। वैसे ये जितना आया है उत्तर ये सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, वन नहीं रखना है, वन से कोई उत्तर नहीं आ रहा। ठीक है, माइनस चार क्योंकि वहां पर वेरिएबल ही जीरो हो जा रहा, इसमें रख लेते हैं। यहाँ लिखा एक्स प्लस टू बटे एक्स माइनस टू बराबर में लिखा वन, और टी की जगह में कितना रखना है थ्री रखना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू, ये इधर आ गया तो थ्री एक्स माइनस वन, ये माइनस टू था इधर गया माइनस सिक्स, यहाँ आ गया टू एक्स बराबर माइनस का एट। ठीक है, यहाँ भी एक्स बराबर कितना आ गया चार आ गया, यहाँ भी कितना आ गया माइनस। तो यही यही आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा, अथवा से मुझे नहीं मतलब है, तीन कामा पांच दूसरे मेथड से करेंगे तो तीन कामा पांच भी आ सकता है, लेकिन वो अथवा से उससे मुझे नहीं मतलब है, तो माइनस चार ही उत्तर आपका सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।